जय जय श्री राधे कृष्णा। डीबी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपके लिए आज द्वितीय चंद्रमा है, जो कि संतोष और धन कारक होता है। आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई सुखपूर्वक व्यापार कर सकते हैं। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वालों को आपको आज के दिन यात्रा का योग बन रहा है एवं घर परिवार वालों मित्रों से अच्छे संबंध रह सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को अनेस अचानक शुभ धन लाभ के संकेत, सरकारी नौकरी के पूर्ण योग आपका बन रहा है। आप हाथ डालेंगे तो आपका काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाहन से इत्यादि से यदि आप किसी भी प्रकार का यात्रा करते हैं, सफर कर रहे हैं, ट्रेन से, प्लेन से, बस से या फोर व्हीलर से, तो आपको थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को अनेस अचानक धन लाभ के संकेत, मानसिक तनाव बेचैनी हो सकती है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। कृषि वर्ग क्षेत्र में है तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, मित्रों से सहयोग होगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, कोई नया काम शुरू करेंगे। आठवीं राशि वृश्चिक। आपकी पत्नी से अच्छे संबंध रहेंगे एवं माता पिता भाई से सहयोग प्राप्त हो सकता है, कोई गुणलक्ष सब सूचना भी प्राप्त होगी। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन किसी कार्य क्षेत्र में आप अपने शहर जिले से बाहर अन्य प्रदेश जिले में जा सकते हैं और बहुत दिनों से डरा हुआ काम हो सकता है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, शत्रुओं से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, मित्रों से सहयोग होगा, घर परिवार वालों से अच्छे संबंध रहेंगे एवं आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, भगवान कृष्ण राम की अथवा पुखराज नामक रत्न धारण करें, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।